नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जब भी इतिहास का जिक्र आता है या जब भी स्वाधीनता संग्राम के इतिहास का जिक्र आता है, तब कुछ एक नाम ऐसे कौंध कर आपके मस्तिष्क पर दस्तकें बिछा देते हैं कि भाई क्या हुआ, भूल कैसे गए। और ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे शख्सियतों में एक नाम ऐसा है मित्रों, जिसको आप और मैं भी याद करते हैं तो सिर्फ तब जब उनके बारे में कभी कोई लेख छपता है या कोई सामग्री छपती है। जबकि हकीकत ये है कि ये शख्सियतें, इनको अक्सर याद किया जाना बिना जन्म तिथि और बिना पुण्य तिथि के, इनको अक्सर याद किया जाना बहुत जरूरी है। आज जिस शख्स का मैं आपको फिर से वो लेख बांट रहा हूं, वो शख्स है बीके दत्त। बीके दत्त का मतलब बटुकेश्वर दत्त। और बटुकेश्वर दत्त के बारे में परिचय जब देने लगूंगा तो लगेगा कि जैसे अपना छोटापन है कि ऐसे इतनी बड़ी शख्सियत का परिचय देने का प्रयास करूं या उनके जीवन परिचय के बारे में चार बातें आपसे साझी करने का प्रयास करूं, ये ठीक नहीं लगता है। लेकिन अब ये भी हकीकत है कि सोच कैसी थी, इस बात को जानना चाहिए। ये हकीकत है कि हमें उन क्रांतिकारियों की, उन स्वाधीनता सेनानियों की सोच के बारे में जरूर जानना चाहिए था। हम बहुत सारी बातें उनके नाम पर बिल्कुल वैसे ही पेल भी देते हैं, चला देते हैं, जैसे हमने कबीर के नाम पर बहुत सारी बातें चला दी, बहुत सारी बातें गालिब के नाम पे चला दी। ऐसे कई चीजों को हम लोग कभी कभी भगत सिंह से या इन बीके दत्त से या इन लोगों के जिंदगी के साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन वास्तविकताएं जो हैं, जो दुखद पहलू हैं, अंधियारे पहलू हैं, वो फिर वही के वही रह जाते हैं। बीके दत्त की जिंदगी के कुछ एक अंधियारे पहलू स्वाधीनता प्राप्ति की बात के हैं। बीके दत्त को जब बीमार अवस्था में सरकारी मदद के साथ जब दिल्ली लाया गया 1964 में, तब मुझे उनसे मिलने का, उनको देखने का अवसर मिला। एक चाव भी था कि ऐसे व्यक्ति को तो नमन कर लेना चाहिए, प्रणाम कर लेना चाहिए। तो उस वक्त तो मुझे अब तक याद है कि इन्होंने इतनी ही बात कही थी कि यार ये वही दिल्ली है जिस दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में मैंने और भगत ने, दोनों ने बम फेंका था और पूरे के पूरे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चूले हिला कर रख दी थी। अब उस दिल्ली में तुम लोग मुझे एक अपाहिज की तरह से ले आए हो, बात क्या बनी? अब इस वक्त मुझे स्ट्रेचर पर डालकर मुझे एक अस्पताल में ले जा रहे हो और वहां जाकर जो मेरा हश्र करोगे, टीके लगा लगा के मुझे सुला दोगे और उसके बाद जगा दोगे, कुछ खिला दोगे। तो ये जिंदगी जो है, ये जिंदगी, इसमें कोई रोमांच नहीं है। वो रोमांच जो भगत सिंह के साथ मिलकर बम गिराने के वक्त मुझे मिला था, और उस वक्त सभी लोग भाग गए थे और हम लोग डटे रहे, और मैं भगत सिंह को धक्के देता रहा था कि भगत तुम यहां से निकल जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूं। कारण यह है कि मुकदमा भी चलेगा तो हम लोग, मैं बच जाऊंगा और तुम्हारा बचना इसलिए फौरी तौर पर तात्कालिक रूप से जरूरी है कि तुम रहोगे तो तुम एक विचारक भी हो, पढ़े लिखे भी हो। मेरा क्या है, मैं अपनी जिंदगी देश के साथ बांध चुका हूं, और यदि मैं गिरफ्तार भी हो गया तो कुछ सुनवाई के बाद तुम ही लोग मुझे छुड़वा भी लाओगे यार। लेकिन अगर तुम फंस गए तो जो स्वाधीनता आंदोलन है, ये कहीं ना कहीं इसमें रुकावट आ जाएगी। बहरहाल, इन बातों को याद करते करते पूछा कि अब तक गुजर बसर कैसे चलती रही, तो उनका जवाब जो है वो बेहद मार्मिक था कि अब तक की जिंदगी ना पूछो तो ज्यादा अच्छा है, वरना कहीं ना कहीं स्वाधीनता संग्राम में अपनी जिंदगी होम कर देने वाले व्यक्तियों के बारे में अलग अलग भ्रांतियां सी सामने आएंगी कि ये क्या है, हम लोग कैसे करते रहे। लेकिन ये हकीकत है कि मैं, उन्होंने स्वयं बताया था कि ये मैं स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी कोई काम इसलिए नहीं कर पाया कि मेरे पास कोई काम करने के लिए कोई भी व्यवस्था भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, चार डबल रोटियां बांटता फिरा,
एक सिगरेट कंपनी की सिर्फ उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए और उसकी मशहूरी के लिए मैंने सिगरेट की एजेंसी भी शुरू की, और उसके बाद खोमचे में सिगरेट डालकर, पान बीड़ी डालकर वो भी बेचता रहा मैं। तो स्थिति यहाँ तक आ गई कि जब घर का गुजर इससे भी नहीं चला, क्योंकि छोटा मोटा काम था, इससे कुछ बहुत ज़्यादा पैसे आने की उम्मीद नहीं थी, तो मुझे अपनी पत्नी को एक स्कूल में, एक मिडिल स्कूल में एक ऐसी नौकरी के लिए भी विवश करना पड़ा जो हम लोगों के स्तर के, जीवन स्तर के अनुकूल नहीं थी। तो ये सारी जो संघर्ष भरी जिंदगी है, इसका कोई मलाल नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि सामान्य रूप से स्वाधीनता संग्राम का जो इतिहास है उसको ना तो ढंग से लिखा गया, और बहुत सारे हमारे साथी उपेक्षित रह गए। और जाते जाते उन्होंने एक बात, एक वर्ष के बाद 1965 में उनका देहांत हो गया था, निधन हो गया था, दिल्ली के एक अस्पताल में हुआ था। तो उनका इतना ही था शिकवा, वहाँ मुझे याद है कि ये पंजाब के तब मुख्यमंत्री थे कॉमरेड रामकिशन, तो वो पूछने आए कि हम यार तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। वो भी पुराने क्रांतिकारी थे कॉमरेड रामकिशन भी। तो उस वक्त इनके जवाब को सुनने के बाद एक रोमांच और सिहरन जरूर दौड़ती है कि भाई मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए कॉमरेड, मुझे रामकिशन जी अगर देना चाहते हो तो एक मेरी अंतिम इच्छा स्वीकार कर लो कि जब मैं अंतिम सांस लूं तो मुझे उसी जगह पे मेरा स्मारक बनाना, मुझे उसी जगह पे जाके दाह संस्कार मेरा किया जाए जहां पर शहीद आजम भगत सिंह की माँ का किया गया था, क्योंकि वो माँ हम हमारे सबके लिए सांझी थी, और वो माँ हम सबके लिए एक आदर्श थी जो हमें प्रेरणा जीने की, सम्मानजनक ढंग से जीने की प्रेरणा देती थी। तो मुझे उसके बिल्कुल पड़ोस में अगर उसको चिता मेरी जलाओगे जहाँ उसका स्मारक बना हुआ है, तो मुझे एहसास होगा कि मैं माँ की गोद में ही अंतिम सांस ले रहा हूँ। शुक्रिया।